हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सोनी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। नाउ वी लर्न अबाउट मैथमेटिक्स ऑफ सेवंथ क्लास चैप्टर फर्स्ट इंटीजर ऑफ एक्सरसाइज 1A ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। बिकॉज द क्वेश्चन नंबर 11 एंड 10 आर लाइकली सेम, सो यू डू सॉल्व इट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी लर्न अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन नंबर 12 इज The sum of two integers is -16. If one of them is 53, find the other. Which means the sum of two integers. दो integers हैं और उनका sum दे रखा है हमको, उसका addition कितना है -16. If one of them is 53, अगर उनमें से एक integer 53 है, जिन दो का sum -16 है, उन दोनों में से एक integer क्या है 53, find the other. तो हमको अदर इंटीजर फाइंड करना है, वो सेकंड क्या होगा। देखिए इन द सॉल्यूशन, लेट द अदर इंटीजर बी एक्स। हम मान लेते हैं वो अदर इंटीजर क्या है एक्स, देन एक्स प्लस 53। वन इंटीजर इज एक्स and another integer is 53 and the sum of these integers is -60. Clear? The sum of two integers is -16. The sum of two integers is -16. One of them is 53. Find the other. Let the other integer is be x. Okay? Now x equal to -16 as it is रहेगा, 53 LHS से हम उसको ट्रांसपोज करके कहाँ ले जाएंगे RHS में। तो LHS से ट्रांसपोज करेंगे जब हम उसको RHS में, तो यहाँ पर LHS में 53 कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसका कैसा हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, प्लस 53 की जगह क्या हो जाएगा ये -53। सो x इक्वल टू, अब हम उनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव है -16 है, सेकेंड इंटीजर इज ऑल्सो नेगेटिव विच इज -53। सो हेयर बोथ इंटीजर्स साइंस आर सेम, यहाँ पर दोनों इंटीजर्स के साइन कैसे हैं सेम है, सो वी डू एड। तो हम क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे, 6 और 3 9, 5 और 1 6 69, दोनों ही नेगेटिव साइन के डिजिट को ऐड किया था, तो हम आंसर में भी क्या साइन लगाएंगे नेगेटिव साइन। सो The other integer is -69. Clear students? Now, come on the question number third. Okay? In the question number third, the sum of two integers is 65. Here, the sum of two integers is 65, दो इंटीजर है और उनका सम दे रखा है, उनका एड दे रखा है, कितना दे रखा है 65। इफ वन ऑफ देम इज -31, यानी कि जो दो इंटीजर हैं जिनका सम 65 है, उन दोनों में से एक इंटीजर है -31, फाइंड द अदर, हमको वो दूसरा इंटीजर फाइंड करना है। ठीक है, सो सिमिलरली देखिए इसका सॉल्यूशन, लेट द अदर integer b x, then -31 plus x is equal to 65. Okay, first integer is -31 and the other integer we let x, so the sum of these integers is 65 which is given. Okay, now we find the value of x. x equal to 65 तो एज इट इज रहेगा, वो RHS में है ही ऑलरेडी, हमको क्या करना है x के पास से किसको ट्रांसपोज करना है -31, तो -31 RHS में जब ट्रांसपोज होगा तो उसका साइन नेगेटिव है, उसका साइन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा +31। सो x इक्वल टू, अब हम दोनों को साइन देखेंगे सेम साइन है, तो हम दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 31 प्लस 65, 5 and 1 6, 6 and 3 9, 69, so
the other integer is 96. Clear? Very good. Now, come on the question number 14. So students, question number 14 is the difference of an integer a and minus 6 is 4. Find the value of a. Here, the difference of an integer a and minus 6. क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई इंटीजर ए है, कुछ भी हो सकती है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं, तो एक इंटीजर है ए एंड अनदर इंटीजर है माइनस सिक्स, और इन दोनों का क्या दिया है हमको, डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड माइनस सिक्स इज फोर. कितना डिफरेंस दिया है इन दोनों का, फोर. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. सो लुक एट द बोर्ड ऑल द स्टूडेंट, देन first integer is a and second integer is minus 6 and difference of these two integers is equal to the 4. It is given in this question. Okay, now we solve it. A minus into minus plus 6 is equal to 4. We find the value of a, then we transpose the 6 from LHS to RHS. So a equal to 4 is as it is because it has been RHS, plus 6 is transposed to RHS. So what is the sign of the 6? The sign of the 6 will be minus 6. So A is equal to 4 minus 6. 4 minus 6 minus 2. Because here one is positive integer and another is negative integer. So we do difference because we do subtract because if both signs are different, then we do subtract. So 6 minus 4, 2. And the sign is coming, which is more. Here, negative integer is more. So the sign is negative of the answer. So the value of A is, so the value of A is minus 2. Clear? Now, come on the question number 15. So, students, the question number 15 is, write a pair of integers whose sums gives dash. Write a pair of integers. हमें एक pair लिखना है integers का, whose sums gives 0. Whose sums give 0. एक ऐसा pair बताओ integer का, जिनको add करने पर क्या answer आए, 0. तो आप एक positive और एक negative कोई भी दो number ले सकते हैं. तो हमने यहाँ ले लिया, एक ले लिया minus 2. एंड सेकेंड नंबर ले लिया हमने प्लस 2. इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0. आप कुछ भी ले सकते हैं, माइनस 1 एंड प्लस 1 भी ले सकते हैं. इन दोनों का प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा, 0. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है अ नेगेटिव इंटीजर. राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज अ नेगेटिव इंटीजर. यानी कि ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका सम करने पर आंसर क्या आए, एक नेगेटिव इंटीजर आए. ठीक है, तो हम ले सकते हैं यहाँ पे जैसे कि 3 एंड माइनस 5. राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम्स गिव अ नेगेटिव इंटीजर. ऐसे दो इंटीजर लीजिए जिनको आप ऐड कीजिए और ऐड करके आंसर क्या आना चाहिए, एक नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए. तो यहाँ पर हमने एक ले लिया प्लस 3 और एक ले लिया माइनस 5. अब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड तो क्या करना है, हमें पता है एक इंटीजर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने पर क्या होता है, डिफरेंस निकलता है, सब्ट्रैक्ट होता है. तो सब्ट्रैक्ट करने पर इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा. तो आप और कुछ भी ले सकते हो जैसे कि माइनस 6 एंड प्लस 4. माइनस 6 एंड 5 ले लो, पॉजिटिव 5. इन दोनों को ऐड कर नहीं सकते, सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई. एंटीजर तो सम का साइन लगाएंगे लेकिन एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आएगा, नेगेटिव एंटीजर माइनस 1. क्लियर? Now, what? Write a pair of integer whose sums give an integer smaller than both the integer. यानी कि अब ऐसे दो इंटीजर लो जिनका सम करने पर जो आंसर आए वो उन दोनों लिए गए इंटीजर्स से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्मॉलर. तो देखिए हम इसमें ले सकते हैं माइनस 2
एंड माइनस थ्री एड करूँ, माइनस टू एंड माइनस थ्री को हम ऐड करें, माइनस टू प्लस माइनस थ्री एड करके क्या आएगा आंसर माइनस फाइव। अब यू नो दैट माइनस फाइव इज स्मॉलर देन द माइनस टू एंड माइनस थ्री ऑल्सो, है कि नहीं। आपको इसे भी दो नेगेटिव इंटीजर ले ली ना, उनका ऐड करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। नाउ इन द फोर्थ राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sums give an integer greater than both the integers, दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको लेना है एक नंबर ले लो प्लस का टू, दूसरा ले लो प्लस का फाइव, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा सेवन, ठीक है कि नहीं भाई। प्लस का सेवन जो है प्लस के टू और प्लस के फाइव दोनों से ही बड़ा है, ग्रेटर है, नो प्रॉब्लम। तो इसमें भी आप कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्लियर। फिफ्थ है एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन, एक से बड़ा होना चाहिए दूसरे से छोटा होना चाहिए, ठीक है। एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, तो आप इसमें एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो, जैसे कि एक तो ले लिया आपने प्लस का एट एंड दूसरा ले लो आप माइनस का फोर, अब उनको ऐड करेंगे तो एक्चुअली मतलब एट प्लस माइनस फोर करने पर क्या आएगा, 8 माइनस फोर इजक्वल टू फोर। सो ये जो 4 है आया हमारे पास, ये माइनस फोर से तो ग्रेटर है बिकॉज ये पॉजिटिव है, और प्लस के 8 से क्या है ये स्मॉलर है, छोटा है कि नहीं, क्लियर। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर, सो नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 16 एंड द क्वेश्चन नंबर 16 इज ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट इज द स्मॉलर इंटीजर इज जीरो, क्या सभी इंटीजर्स में जीरो सबसे छोटा है क्या। तो देखिए मैंने आपको उस दिन बताया था जीरो के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव डॉट शोन, एंड लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव होते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डॉट डॉट। और उसमें आपको मैंने उस दिन ये भी बताया था कि इधर सारे इंटीजर क्या होते चले जाते हैं, छोटे होने होते चले जाते हैं, स्मॉलर होते चले जाते हैं, और इधर क्या होते चले जाते हैं बढ़ते चले जाते हैं, है ना, ग्रेटर होते चले जाते हैं करके सारे इंटीजर। तो क्या सबसे छोटा इंटीजर जीरो है, फॉल्स, इट इज फॉल्स, ओके, बिकॉज ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन जीरो, जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं वो सभी जीरो से छोटे होते हैं, इसलिए जीरो अकेली स्मॉलर इंटीजर नहीं हो सकती सबसे, क्लियर। नाउ सेकंड, सेकंड इज माइनस टेन इज ग्रेटर देन माइनस सेवन, क्वेश्चन है माइनस टेन इज ग्रेटर देन माइनस सेवन, क्या माइनस टेन बड़ा है माइनस सेवन से, फॉल्स, इट इज ऑल्सो फॉल्स। दोबारा माइनस टेन इज ग्रेटर देन माइनस सेवन, क्या माइनस टेन बड़ा है माइनस सेवन से, फॉल्स, इट इज फॉल्स, माइनस टेन माइनस सेवन से बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज इन द नेगेटिव इंटीजर्स एज नंबर इज इंक्रीजिंग दियर वैल्यू इज डिक्रीजिंग, ओके। जैसे जैसे हम नेगेटिव साइन के नंबर को बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है, ठीक है। सो माइनस टेन जो है वो माइनस सेवन के बाद माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन, यानी कि जैसे जैसे हम नेगेटिव नंबर की ओर बढ़ेंगे उसकी वैल्यू उतनी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, इसलिए माइनस टेन माइनस सेवन से छोटा है ना कि बड़ा है, क्लियर। नाउ कम ऑन द थर्ड, जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, जीरो जो है वो सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ी होती है, ये तो सही है, ट्रू है, जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ठीक है कि नहीं, क्योंकि सभी नेगेटिव इंटीजर्स के बाद आ रही है जीरो, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट हो रहे हैं, सो जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर इज, इट इज ट्रू बिकॉज ऑल नेगेटिव इंटीजर्स कम एट द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो इन द इंटीजर्स ऑन द नंबर नाइन, ठीक है। नाउ इन द फोर्थ द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, दो नेगेटिव इंटीजर्स है उनका सम करेंगे इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर, तो क्या वह हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ये बात भी बिल्कुल सही है, टू है जिसमें माइनस सिक्स
और माइनस टू को हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस एट। तो नेगेटिव भी तो आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, इसलिए इट इज ट्रू, वेरी ट्रू है। द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज आर नेगेटिव इंटीजर्स ट्रू है, ठीक है, बिकॉज वी एड दियर वैल्यूज रिगार्डिंग ऑफ दियर साइंस एंड गिव द सम दियर कॉमन साइन, ठीक है ना, क्योंकि जो इसका आंसर आता है वो किस में आता है, दोनों के कॉमन साइन से लिया हुआ आंसर का साइन होता है ना, वेरी गुड। नाउ फिफ्थ, द सम ऑफ आर नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, जैसे कि इसी में ले लेते हैं, माइनस का सिक्स ले लिया मान लो हमने, है ना, द सम ऑफ आर नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, और प्लस का टू ले लिया हमने, ठीक है, द सम ऑफ आर नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन कह रहा है हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर आंसर आएगा, क्या ये सही है बताओ, अगर मैं प्लस का सिक्स और माइनस का टू लेता हूँ तब तो पॉजिटिव आता है, और माइनस का सिक्स और प्लस का टू लेता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस फोर, इट इज फॉल्स, समझ में आई बात नहीं आई, इट इज फॉल्स, बिकॉज हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है, समझ में आई नहीं आई बात, इट्स मीन दोबारा देखें फिफ्थ में, बिकॉज वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दियर न्यूमेरिकल वैल्यूज, जब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज का डिफरेंस निकालेंगे रिगार्डलेस ऑफ दियर साइंस एंड गिव द साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू ऑफ द इंटीजर, क्योंकि हम आंसर में किसका साइन देते हैं, जो वैल्यू ग्रेटर होती है, जिस इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर होती है, यहाँ सिक्स और माइनस टू में किसकी वैल्यू ग्रेटर थी, पॉजिटिव सिक्स की वैल्यू ग्रेटर थी, इसलिए आंसर में पॉजिटिव साइन दिया, यहाँ माइनस सिक्स और प्लस टू में वैल्यू किसकी ग्रेटर है, नेगेटिव साइन की वैल्यू ग्रेटर है, इसलिए आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, तो इसलिए ये फॉल्स है, हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना, सो इट इज क्लियर। नाउ ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स योर एक्सरसाइज 1A इज कंप्लीट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 1B, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।